بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا तुम मुस्लिम हो, इस हाल में कि तुम मुसलमान हो।
80 साल का डॉक्टर है, गाय के चरणों में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के पेशाब को बरकत समझता है, क्यों? ईमान नहीं। और एक 8 साल का बच्चा है, अपने पैसे को मलमल के धोता है, कोई अगर कहता है कि इतना पानी क्यों खोला है, नजाजत भरे लहजे में कहता है अभी फादर के पास क्या रहा था, जानवर के पेशाब के छींके लग गए, कोई दर से निजाम पड़ा हुआ नहीं था जो नजाजत गलीजा फीका को जानता। 8 साल प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला बच्चा 80 साल के डॉक्टर को समझ नहीं आएगी। 8 साल बच्चे को कहां से समझ आई? अंदर से आवाज आती है, डॉक्टर तो है लेकिन इसके हाथ में दामन मेरे नबी का नहीं है। ये 8 साल बच्चा है लेकिन पैदा होते इसकी माँ ने कलमा मेरे नबी का पढ़ाया है। सबसे अजीम शान नेमत मेरे और आपके पास है वो दौलत ईमान है। आज मैंने इसकी कदर नहीं, जानते हराम का फिर भी खाते, जानते दो नंबर का फिर भी खाते, जानते रिश्वत का फिर भी लेते, साली नबी वकास रजी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह कोई वजीफा बताओ कि मैं वो पढ़ू और मुस्तजाब दावत बन जाऊं, कि मेरी कोई दुआ हल ना हो। अल्लाह के नबी ने एक जुमला फरमाया, साल अतीत मत अमर तकुन मुस्तजाब दावा, लुकमा ठीक कर ले तो मुस्तजाब दावा बन जाए। अल्लाह के नबी ने उस आदमी के बारे में बोला, दूर दराज से सफर तय करके आया, लंबे लंबे हाथ उठा के मांगता, लेकिन हाल क्या था? मत अन्नो हराम, मशरबो हराम, मलबसो हराम, गुजियत हराम, फाना अलस्तजाब लिजालिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लंबे हाथ करके दुआ मांगो, खाना हराम का, लिबास हराम का, पीना हराम का, जिस्म की परवरिश हराम लुकमों से, फाना अलस्तजाब लिजालिक, कितनी भी कोशिश करो पेट में लुकमे हराम के उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दो बातें, जो हराम खाता है ना उसकी दुआ कबूल होती है ना उसको नसीहत असर करती है। अबू साले बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, वो एक नहर के पास से गुजर रहे थे, सैफ का एक दाना तैरता हुआ है, भूख लगी थी, दाना उठाया चबाना शुरू किया, आधा खाया फिर जमीर जागा, मेरी मिल्क तो नहीं थी, इमाम लहू को बड़ी बात कहा, कल कयामत के दिन मालिक ने मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो जिस सिंध पानी आ रहा था उस सिंध चल दी, चलते रहे वहां एक सैफ का दरख्त आया जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई थी, इन्हें तजस्सुस हुआ कि ये इसी पेड़ का मैंने दाना चबाया। बाद में गए, वो मालिक का नाम था अब्दुल्ला सौमाई, अबू साले फरमाने लगे कि मैंने आपके पेड़ का एक दाना खाया है, माजरत माफी करवाने आया हूँ। कहा वैसे माफी नहीं मिलती, कहा फिर क्या करना पड़ेगा, कहा 12 साल मेरे दर्द सैर के दर्द को पानी पिलाना पड़े, कहा 12 साल कहाँ, फिर माफी मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, कहाँ मंजूर है, 12 साल आधे सैर 12 साल पानी पिलाया। जब 12 साल खत्म होने के करीब आए, अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ कुछ मेहमान आए, उन्होंने अबू साले से कहा जो सैर तोड़ के लाओ, वो सारे बच्चे बच्चे तोड़ के लाए, अबू साले 12 साल हो गए पानी पिलाते पिलाते, अभी तक सैरों की पहचान नहीं हुई, कच्चे किसे कहते पक्के किसे कहते, तो कहा खुदा की कसम एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, आज 12 साल हो गए मैंने कभी किसी सैद की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। तो जानते हैं हराम का फिर भी खाते, हमारे गांव के पास से गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखते, हम तो पीठ थापते बच्चों की माशाल्लाह दो डंडे उठा के ले आए। इसी वजह से बेचैनी, बेकरारी, बेनूरी, हालात देखो, अल्लाह ने अपने तरह से दूर कर दिया। आज 9 महीने के बाद पहली मरतबा रात का प्रोग्राम कर रहा हूं, पहले फुर्सत ही नहीं थी, मस्जिदों से दूर कर दिया अल्लाह ने। हालात आज भी वही है, मुसलमानों का रवैया आज भी वही है, कोरोना से पहले जैसे थे आज भी वही है। कुरान कौन पढ़ता है? मस्जिदों में आते हैं, नजर सबसे पहले घड़ियों पे जाते, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए नहीं 24 घंटे में। घरों का हाल देखो, सारा दिन गाना बजता है, सारा दिन फिल्म चलता है, न तौबा है, न इस्तिगफार है, न अल्लाह से खैर मांगनी है। मुसलमानों ये हालात ऐसे नहीं बिगड़ते, जब मेरे तुम्हारे अमल बिगड़ते तब हालात बिगड़ जाते। अल्लाह
अल्लाह पाक जल्ले शानु ने कुरान करीम में फरमाया, तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, तुम्हारे आंखों की इशारों को नहीं जानता हूँ। वकन अलकना अबलम मिनल कुरून, मेरी जमीन में जीना न करो, हराम खोरी न करो, बदमाशी न फैलाओ, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह हूँ। तुम पानी पानी पुकारोगे, जुबानें कुत्तों की तरह लटक जाएंगी, खानदान कबीलों की बात नहीं। जब मैं अपनी बेनियाजी पे आ जाऊंगा, मुल्कों के नाम निशान मिटा दिया करता हूँ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, मौला जीना कर करके मेरे ऊपर चलता है, हराम खोरी कर करके मेरे ऊपर चलता है, इजाजत दे, मुझे इनकी हरकतों से बड़ी नफरत है, लुकमा बना कर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ल शानो की करीम जात रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है, ठहर जा, शायद तौबा कर ले। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी, जिसको भी लगता था उसका भी कुछ न बिगड़ता था। अल्लाह का हुक्म आया, शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना जहन जलाया, अपनी तरकीबें बनाई। अल्लाह फरमाता है, फिर मैं भी बड़ा बेनियाज हूँ। वलकद अलिमतुम अल्लज़ीना तगौ मिनकुम फिस्सब्ति फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह को उठे, मुफस्सिरीन ने लिखा है 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। जो खुदा माँ के पेट में शक्ल बनाने के कादिर है, बोलो जोर से बेशक, क्या वो बाहर बिगाड़ने के कादिर नहीं है? इतनी खूबसूरत आंखें बनाई, इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, इतने खूबसूरत होंठ बनाए, इतने खूबसूरत हाथ पांव बनाए। आज तुझे मेरा खुदा समझ, मेरी खुदाई समझ नहीं आती, आज तुझे मेरे नबी का फरमान समझ नहीं आता, आज तुझे मेरा कुरान समझ नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिश्त देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। घरों में औरतें हर वक्त झाड़ू देती है, कहीं कचरा ना हो। हम दुकान खोलते हैं, सबसे पहले झाड़ू पकड़ते हैं, कहीं इधर उधर कचरा ना हो। दुकान की सफाई नजर आती है, मकान की सफाई नजर आती है, कभी दिल में भी झांक के देखा कितना कचरा पड़ा हुआ है? बुग्ज है, कीना है, हसद है, लालच है। एक बुरका पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है। हर आदमी झूठ बोलता है, हर आदमी धोखा देता है, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त जहन में प्रोग्राम होता है। कहां से अल्लाह की रहमतें आएंगी, कहां से अल्लाह की बरकतें आएंगी? फिर जलजले ही आएंगे। इतने बड़े बड़े लोग दुनिया में, कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, रोजाना कोरोना में कितने जिनको मरना था वो मर गए, हम जिंदा है, हम भी मर जाएंगे। वो अल्लाह को मालूम है कौन दुनिया में।
दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल, दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है, दुनिया तो दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है, दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है, दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। फिरौन 400 बरस तक जिसके सर में दर्द नहीं हुआ, अना रब्बुकुम अला, मैं खुदा हूं, जो उसकी खुदाई नहीं मानता था उससे ज़बह करवाता था। अल्लाह ने उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया, गले तक पानी आया, मैं मूसा के रब पर ईमान, अल्लाह फरमाता है मैं तेरा ईमान तेरे मुंह पर मारता हूं। कई बादशाह है जिनके खजानों की चाबियां खच्चरों पे लाई जाती थी, अल्लाह ने नमरे मच्छरों से खात्मा कराया। इसलिए अल्लाह पाक जल्ल शानु ने कुरान करीम भेजा, फरमाया तुम इसको इससे हिदायत पकड़ो, इसको दिलों में जगा दो, दिमागों में जगा दो, घरों में जगा दो, दुकानों में जगा दो, अगर तुम यूं ना करोगे। फरमाया قال فما خطبكم ايها المرسلون, फरिश्तों से पूछा गया तुम किधर जा रहे हो, قالوا कहने लगे انا ارسلنا الى قوم مجرمين, एक मुजरिम कौम की तरफ चलेंगे, लड़कियों को छोड़ के लड़कों से बदकारी करती है। फरिश्तों ने पूछा, तो फरिश्तों से पूछा गया तुम क्या करोगे, फरमाया लिनुर्सिला अलैहिम हिजारतन मिन तीन मुसफ्फमतन इंदा रब्बिका लिलमुसरिफीन, जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाएंगे, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश होगी। कुरान गवाही देता है बारिश हुई, सारी कौम बर्बाद हो गई। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। अरे हजारों में कितने लोग मरते, मरते वक्त मुंह से कलमा भी नहीं निकलता। याद रखो दस्तूरे खुदाबंदी है, जिसकी जिंदगी कलमे के तकाजे के मुताबिक गुजरती है कलमा उसी के जुबान से निकलता है। मौलाना थाने ने लिखा एक आदमी मर रहा था, घर वालों ने कहा कलमा पढ़, वो रोने लग गया। अब क्यों रोता है, पढ़ना चाहता हूं, कोई चीज आती है मेरी जुबान पकड़ लेती, पता चला ये सूद खाता था। रूहुल मानी में लिखा है सूद का एक दिन हम बैतुल्ला में सगी मां के साथ 70 दफा जीना करने के बराबर है। सलमान शौक से खाता है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था फदहबो फंगुशु कुदूरहुम फइल्ला तजिदुहा कदा मा कुलतु लकुम फहुवा बातिल, जाओ जाओ कब्रें उखेड़ के देख लो, सात किस्म के लोग ऐसे हैं इनको कब्र में दफन किया जाता है, रिश्तेदार घर नहीं पहुंचते, अल्लाह इनका चेहरा तिले से फेर देता है। साहबा ने पूछा मन मन वो कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सात किस्म के लोग गीमा है, उसमें पहला है सूद खाने वाला, आखिर रिबा, दूसरा बायर बशर इंसान के आजा का कारोबार करने वाला, तीसरा शारिबुल खमर शराब पीने वाला, चौथा झूठ बोलने वाला, पांचवा जखीरा अंदोजी करने वाला, छठा वो औरत जो किसी अजीज रिश्तेदार के इंतकाल पर नौहे करती है, गरेबान नोचती है, चमड़ी उधेड़ती है और नाशाइस्ता जुमले जुबान से निकालती है कि क्या अल्लाह को मेरा ही घर मिला, अल्लाह ने मुझ पर जुल्म कर दिया, ऐसे नाजेबा लफ्ज निकालने वाली औरत जो कब्र में जाएगी अल्लाह इसका चेहरा किबले से फेर देगा। ये छह छठा और एक सातवां गुना मुसलमानों आज मैं और आप उसको गुना नहीं समझते, कौन सा, तारिकुल जमात, नमाज नहीं जानबूझकर नमाज की जमात छोड़ने वाला, नमाज नहीं जानबूझकर नमाज की जमात छोड़ने वाला, रिश्तेदार घर नहीं पहुंचते अल्लाह इसका चेहरा किबले से फेर देता है, मस्जिदों के पास से गुजर जाते, कितने जुमा जुमा को मस्जिद में आते हैं, जुमा में निकल आते, जो मजमून समझ में आता है उर्दू का खुतबा कब सारे लोग बाहर होते, और जो मजमून समझ का नहीं जैसे अरबी का खुतबा सारे शहजाद अंदर आते। एक मिजाज बना हुआ है या ये उमूमी रवैया है मुसलमान अक्सर मसाजिद का ये हाल है। हालांकि हदीस में जो सबसे पहले आता है उसको मुंह सफा करने का सवाल, दूसरे नंबर पर गाय, तीसरे नंबर पर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गी, फिर अंडा, अंडे वाले पौध सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। इबादत नहीं आएंगे तो फिर और क्या आएगा मसला, और मेरा आपका अमल देखो तो जिंदगी का क्या भरोसा है, पता नहीं मैं भी घर पहुंचूंगा, अरे बयान भी खत्म होगा कि नहीं पता। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा था तुम्हें अपनी जिंदगी से कितनी उम्मीद है,
ने कहा जोर के बाद असर की उम्मीद है, किसी ने कहा असर के बाद मंजिल की उम्मीद है। आपने ठंडा सांस लिया, कदम उठाया, कहा इतनी बड़ी लंबी लंबी उम्मीद बांध के बैठे हो। मैं काली कमी वाला कहता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से इतनी भी उम्मीद नहीं। जो कदम मैंने उठाया पता नहीं जमीन पर रखूंगा भी, जो सांस अंदर को गया है पता नहीं वो बाहर आएगा भी नहीं, जो सांस बाहर निकला है पता नहीं अंदर जाएगा। एक जानिब सलाम फेरता हूं पता नहीं दूसरे जानिब का मौका मिलेगा भी नहीं। हमारा हाल देखो, रोजाना कहते कल से नमाजी बनेंगे, कल से नमाजी बनेंगे, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी नगर। अल्लामा अबू नुमैन ने हिय्यतुल औलिया में लिखा है, हवाला देता हूँ, अल्लामा अबू नुमैन ने हिय्यतुल औलिया में लिखा है, जो आदमी जानबूझ के नमाज छोड़ देता है जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है। बुनियादुल तालिबीन अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्होंने लिखा है, जो मियां बीवी जानबूझ के नमाज छोड़ दे इनका निकाह टूट गया। आगे क्या लिखा, इदामा जब पे नमाजी मर जाए फला युगसल लहू, गुसल देने की कोई जरूरत नहीं, फला युकफल लहू, कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, फला युदफन लहू फी मकाबिर मुस्लिमीन, ये नमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न करो। अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से दूसरे मुर्दे पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। सारे नियंत्र इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे पूरे जोर से। अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, अल्लाह की जमीन कई दफा कहती है मौला वो सजदा करने वाला कहाँ चला गया। आज आदमी जब मरते नूरी फरिश्ते भी रोते, इलाही जिसकी तहज्जुद की नमाज आया करती थी, जिसकी तौबा इस्तिगफार की तस्बीह आया करती थी, वो तेरा नेक बंदा कहाँ चला गया। दरिया में मछलियां भी रोती है, समंदरों में मछलियां भी रोती है, सुराखों में कीड़े मकोड़े रोते हैं, बिलों में सांप बिच्छू रोते हैं, घोंसलों में परिंदे रोते हैं। इलाहुल आलमीन वो तेरा रहमत वाला बंदा कहाँ चला गया। आज ये हाल बना हुआ है, मिश्कात शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी का फरमान है कयामत से पहले पहले मेरे उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मोमिन होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठरा होगा। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत करे, खात्मा भी खैर फरमाए। कुरान पे यकीन नहीं, नबी के फरमान पे यकीन नहीं, अरे मर जाएंगे फिर यकीन करेंगे, सारी जिंदगी भी यकीन में गुजर गई। 6666 कुरान की आयत है, सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, कितने लोग हैं वितर का दुआए कुनूत नहीं आता, जनाजा पड़ा हुआ था बाप का मां का, अरे इनको जनाजे की दुआ नहीं आती। चार चार रकातों में सिर्फ एक सूरत याद होती है, क्या मुसलमान है? ये तो मुसलमान है। साहबा का ईमान कैसा था? कुर्बान जाऊं मेरा आपका ईमान है, सारी दुनिया की मुसलमानों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया रजी अल्लाह तआला, ये आज की खवातीन सुमैया को क्या वो दिखाएंगी, वेस्टर्न कपड़े पहनकर टिकटॉक पे नचवाने वाली और शादियों में नीम गोरिया लिबास पहनकर नाचने वाली सुमैया को क्या वो दिखाएंगी। हदीस में रुबक आसियातिन आरिया, बाज लड़कियां औरतें ऐसी हैं जो कपड़े पहनती है फिर भी अल्लाह की नजर में वो नंगी है। लिबास देखो औरतों का, शादियों में देखो कितनी गोरिया नियत, कितनी भी हयाई। परफ्यूम लगाना औरत पर हराम है, कैसे परफ्यूम लगाती है 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। ऐसे ऐसे हालात में भी मुसलमान का आसूद मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते हैं, लाखों रुपए फूलों में बर्बाद हो जाते हैं, और कितनी बेवा भूख की मर जाती है, कितने यतीम बच्चे भूख से मरते हैं, यहां इनके लाखों रुपए शादियों में बर्बाद होते हैं।
हालांकि इस्लाम की तालीम है बेवा के सामने बीवी को प्यार ना करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा ना कहो, गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो। कायम आए अखलाक सुमैया रजी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा, ये हाथों से नहीं पकड़ा, हाथ पांव बांध दिए, बाबों से पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए। सारा मक्का मौजूद है, तमाशा देखने आया। सुमैया को सजा दी जाएगी, किसकी सजा? क्यों कह दी अल्लाह एक है, क्यों कह दी पैगंबर सच्चा रसूल है? अबू जहल बड़ा निकम्मा इंसान था, सुमैया रजी अल्लाह तआला ने से कहने लगा, ए सुमैया एक दफा कलमे का इनकार कर दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमैया रजी अल्लाह तआला ने फरमाने लगी, ओ जालिम मैं जान का सौदा कर सकती हूँ, ईमान का सौदा नहीं कर सकती। कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया। अबू जहल कहने लगा, अगर तू कलमे से इनकार नहीं करती बच्चा मारकर तेरे जसम जिसम के परख्ते उड़ा दूंगा। सुमैया मुस्कुराने लगी, फरमाने लगी, ओ जालिम देर न कर, मैं यहीं खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के आठों दरवाजों को खुला देख रही हूँ। आज तो खुल्ला खुल्ला सूद खाने वाला मरेगा ना, कहते शहीद। सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, कहते शहीद। हमने तो शहादत को बहुत सस्ता समझ ली है। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, शहीदा मौजूद है, उकबा इब्न अबी मुआइद मौजूद है, मुजहल मौजूद है, अबू सुफियान मौजूद है। ऐसे वक्त में सुमैया रजी अल्लाह तआला ने कहा, बेटा अम्मार, जी अम्मा, आजा सरकार के पास जा, मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दे, अल्लाह की तौहीद पर मेरी मां मर रही है। अम्मा रजी अल्लाह तआला ने कहे, सुमैया ने भी वापस बुलाया, हां मेरे दिन की तमन्ना है, इन जालिमों का इरादा बड़ा गलत है, अभी कोई परछा मारेगा, कोई छुरा मारेगा, कोई खंजर मारेगा, जिस्म से रूह निकल जाएगी, ऐसे मरना नहीं चाहती, दिल की तमन्ना है, इधर जहल अबू जहल का परछा लगे, इधर रूह निकले, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी से तशरीफ लाए, इधर जान जाए उधर आपका दीदार मिल जाए। किताब उठाओ, अबू जहल परछा मारा, जिस्म से परखचे उड़े, खून खून के फव्वारे उड़े, इधर जान निकली उधर आप पानी से तशरीफ लाए, काली कमली वाले का दीदार मिल गया। इसलिए कहता हूं, जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो देसी तन हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। मुसलमानों, आज मुझे और आपको इस चीज की जरूरत है कि हम अपना ईमान मजबूत बनाए। दुकान की कीमत का पता है, मकान की कीमत का पता है, अगर कल्ले की कीमत जाननी हो उहुद की पहाड़ी पर अमीर हमजा के टुकड़ों को देखो, 22 टुकड़े किए गए। क्या कलमा छोड़ दिया था? एक सहाबी के बारे में कोई माई का वाला साबित नहीं कर सकता, किसी एक सहाबी ने कलमे से गद्दारी की। हम चाय की प्याली पर जमीन बेच देते, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर हमशीरा रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर अम्मी जान रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेगम रोई। अमीर हमजा का तुम्हें क्या मालूम, अरे लाश के 22 टुकड़े, टुकड़ों के पास बैठकर खुद काली कमली वाले रोए, खुद जख्मी है, रुखसार मुबारक में जंजीर का कड़ा फंस गया, सारों ने निकालना चाह मगर निकलता नहीं। अबू उबैदा इब्ने जर्रा रजी अल्लाह तआला ने दांतों से पकड़ा, जोर से खींचा, निकाल तो दिया, अबू उबैदा के चार चार दांत शहीद हो गए, खून थूकते हुए अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, प्यारे चाचा के चेहरे पे नजर पड़ी, दोनों आंखें नहीं, इधर उधर नजर घुमाई, नाक नहीं और नीचे को देखा, दोनों लग नहीं, प्यारे चाचा के मुंह में झांक के देखा, जुबान नहीं, पेट पर नजर गई, पेट फटा हुआ है, जिगर और कलेजा नहीं, हाथ और पांव की उंगलियां काट के हार बनाया था, मुसला किया गया, मुसला नाक, आंखें, जुबान, लब। अल्लाह के नबी को मुफस्सिरीन ने लिखा है, 4,000 जवानों की ताकत अल्लाह ने दी थी, 4,000
लेकिन जब प्यारे चचा का ये हाल देखा ताब न ला सके, धर्म से जमीन पर किए हाथ उठाए, कहा मौला मेरी फूफी सफिया यहाँ ना होती, मैं तेरे चचा के टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं राजी है तो मैं भी राजी हूं। नबी का चचा कुरैश खानदान, अरब अरब का सरदार, नबी का चचा, लेकिन तंगी कितनी है, सारे टुकड़े छोड़कर एक चादर पूरी कफन की नहीं, चेहरा छुपाते पांव खुल जाते, पांव छुपाते चेहरा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चेहरा छुपा लो, पांव में सीन नामी भंस डाल दो। सैयद शुहदा हमजा सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है, खून के एक कतरे का हक हम अदा नहीं कर सकते। क्या मुसलमानी बची है हमारे अंदर से? कुरान पढ़ो, गाना ना सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया रातों को उठ के कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो, रोना नहीं आता रोने जैसा मुंह बनाओ। फैलम तरफू फतबाकू, दादा गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए, कहा फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो, कितने संदिल हो गए। मस्जिदों में लोग खेलते रमजान, कब्रस्तानों में गेम खेल, कब्रस्तानों में गाने बजते, कौन जाता है कब्रस्तान? चक्कर लगाओ जुमा जुमा पता चलेगा आज ये सोया है कल मुझे यहां आना है। ऐसे जिंदगी ना गुजारो, रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, रोज जिंदगी ऐसे गुजारो रोते हुए आए तो हंसते हुए जाए। उस्मानी अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कैसा ईमान था, मदीना मुनव्वरा में जो कुआं था मीठे पानी का उस्मानी बिन अफ़ान ने खरीद के लिया था। कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आई, मस्जिद नबवी की जो सहन, मस्जिद नबवी की जमीन उस्मानी बिन अफ़ान ने अपने पैसों से खरीद कर मदीने वालों को दी थी। बलवाइयों ने जुल्म किया, 18 दिन हो गए उस्मानी बिन अफ़ान को एक घूंट पानी नहीं दिया, मस्जिद नबवी के सहन में कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, बाद में अल्लाह के नबी का दीदार मिला, घर तशरीफ लाए, अपनी घरवाली से फरमाने लगे वो पायजामा निकाल के दे जो मैंने तुझे दिया था। घरवाली कहने लगी आज तक कभी ना मांगा, आज क्या जरूरत पेश आ गई। उस्मान इब्न अफ़ान फरमाने लगे अरे मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, पढ़ते पढ़ते कुरान की तिलावत करते करते आंख आंख लग गई, बाद में अल्लाह के नबी का दीदार मिला, फरमाया इफ्तार करेंगे, मुझे यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त है, भाईजा मैं इसलिए मानता हूँ मारने वाला छुरा मारेगा, मारने वाला खंजर मारेगा, मारने वाला तलवार मारेगा, मैं इधर उधर छुरूंगा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, किसी मारने वाले की नजर मेरी शर्मगाह पर पड़ जाए। और इतने शर्मीले सहाबी थे, मिश्कात में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपका ये पांव थोड़ा खुला था, अबू बकर आए अल्लाह के नबी ने चादर नहीं डाली, फारूक आजम आए अल्लाह के नबी ने चादर नहीं डाली, जब उस्मान आए आपने एहतियात से काम लिया चादर डाल दी, अम्मी आयशा ने फरमाया मेरे अब्बू आए चादर नहीं डाली, फारूक आजम आए आपने चादर नहीं डाली, जब उस्मान इब्न अफ़ान आए आपने ये एहतियात क्यों किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उससे शर्म ना करो जिससे आसमान के फरिश्ते भी शर्म करते। हमारे घरों में कितनी भी हयाई है, घर में आटा हो या ना हो टेलीविजन जरूर है, अम्मी अब्बू की दवाई का पैसा हो या ना हो टेलीविजन जरूर है, हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम ये लाखों रुपए के बंगले जलेंगे, इन घरों में आग के अंगारे ना करो, तुम अंसूसा तुम अम्मी को ना, अपने आप को अपनी औलाद को अहले खाना को दोजख की आग से बचाओ। मासूम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कितनी भी है, कितने और छोटे छोटे बच्चे फिल्म देखते, हर हर गांव का ये हाल है, आधी रात तक बाहर रहते बादल पर, जिस बच्चे को देखो हाथ में मोबाइल, जिस आदमी को देखो हाथ में मोबाइल, फजर मगरिब में 600 फजर में आधी सब, ये नजारे नौजवान कहां चले जाते,
जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है और वेस्टर्न नील पुरिया लिबास पहनकर जब फेसबुक पर नचवाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। हाथों पे जुलम, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक्मे हराम के पांव गलत सिक जा रहे, कि मुसलमानों जलजले नहीं आएंगे तो और क्या आएगा। ये साहब ऐसे नहीं शहीद हुए, अरे इन्होंने तो शहादत को मान ला। फारूक आजम की कहानी उठाओ, दो दुआ हर नमाज के बाद मांगते, अल्लाहुम्मा रज़ुक्ना शहादतन फी सबीलिक, इला उल आलमीन, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, स्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ। मेरे दिल की तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मौत आए दर तेरा, असर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, इला उल आलमीन। अरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार दुआ मांगा करते थे, इला उल आलमीन, खत्ताब के बेटे को ईमान दे दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की आन बढ़ जाएंगी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की जान है, इस्लाम की शान है, इस्लाम की आन है। काली कमली वाले की मांगी हुई भी का जवाब है, अल्लाह पाक जल्ले शानों ने साबित कर दिया, ओ फारूक, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे किसी और जगह कैसे मार सकता हूँ। किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएगी। अरे ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा, सारा कुरान आएगा। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जाल मौतना फी बलद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही इधर उधर मत दफन करना, मेरे दिल की तमन्ना है मुझे रोज रसूल में जगह मिल जाए। आखिरी वक्त था, अम्मी आयशा से अपने बेटे इब्ने उमर को भेजा था, या अम्मी आयशा से यहाँ रोजे में सोने की इजाजत मांग ले, मेरा अब्बा यहाँ सोना चाहता है। अम्मी आयशा फरमाने लगी, ये जगह तो मैंने अपने लिए छोड़ी है, मैं जानता हूँ तेरे वालिद के लिए मेरे शौहर ने सारी रात दुआ मांगी है, ईमान की, मैं ईसार करती हूँ, ये जगह मैं तेरे वालिद के लिए कुर्बान करती हूँ। अल्लाह के नबी के दाईं तरफ अबू बकर, बाईं तरफ उमर इब्न खत्ताब सोए हुए, ये दुआ हर वक्त मांगते। हम तो मदीने जाते हैं, वीजा लग जाते तो होते वहाँ दुआ करो, सुना वो बहुत भीड़ होती है, इतने धक्के मर जाते, आफियत से जाओ, आफियत से वापस आ जाओ, क्या रखा है आपकी मिट्टी में मरोगा। शौक था सहाबा जैसा ईमान कहां से लाया। कल जब कयामत का दिन होगा, कब्रें फटेंगी, हम सारे निकलेंगे, सबसे पहले रोजा फटेगा, अल्लाह के नबी निकलेंगे, दाईं तरफ अबू बकर होंगे, बाईं तरफ उमर होंगे। बड़ा अमर होता है जिसको अल्लाह बड़ा बनाए, दुनिया का बड़ापन कोई बड़ापन नहीं है, 60 बरस 70 बरस मर जाएंगे, कफन की एक चादर, वो दिन की जिंदगी है ना, इतना उछल उछल के चल, रास्ता ये चल चलो का जरा संभल के चल। बड़ा हकीकी बड़ापन जब महशर का मैदान अल्लाह ताला फरमाए, इजारा या तेरा कोई हिसाब नहीं लेना, बाबा रैयान खुला सीधा जन्नत में चला जाए, ये बड़ापन है। प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीने, बंगले, माल, दौलत, सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, इधर कफन पुराना नहीं होता, इधर झगड़े शुरू हो जाते, उधर फरिश्ते पूछते तेरा रब कौन है, इधर वकील को बुलाओ दस्तखत लो, क्या साथ है, सिर्फ मेरा आपका नेक अमल, बाकी कुछ काम का नहीं है मुसलमान। आज हम किसी और की इजहार ताजियत में बैठे हुए, कल मेरा आपका वक्त आएगा, हम कब्र में होंगे, किसी और हमारे इजहार ताजियत में लोग बैठेंगे। इसलिए कहता हूं हर चीज कमजोर चल सकती, ईमान कमजोर नहीं चल सकता,
मौलाना आजाद मरहूम के लिए कई औरत थी अपने जवान बेटे के साथ जा रही थी। बेटे का नाम था वहब इब्ने कल्ब। जब वो औरत एक वो मैदान के पास से गुजरी तो शोर की आवाज आई। तो अपने बेटे से कहने लगी कि शोर कैसा है? हम वहां खड़ी रहे, मैं देख के आता हूँ। वो बेटा गया दौड़ता दौड़ता वहब इब्ने कल्ब, वहां देखा और दौड़ता दौड़ता वापस आया। कहा वहां गुजर हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वहां गुलशन में नबुव्वत को लोग यजीदी उजाड़ रहे, हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से यजीदी लोग जबा कर रहे। वो माँ भी तो माँ थी, वो कहने लगी आज की औरत होती है तो पेशानी चुनते अच्छा हो तो आ गया, चल यहाँ से आगे चलते है। वो माँ कहने लगी मैंने तुझे हलाल का जाना वुजू कर करके दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देख के तुझे यहाँ आने की फुर्सत कहाँ से मिली? वो बेटा कहने लगा माँ तू यहाँ मेरे इंतजार में खड़ी ना रहे, मैं तो तुझे दरअसल बताने आया हूँ कि इरादा तो वापसी का है। वो बेटा दौड़ता हुआ गया, खैमे में आया, हुसैन के सामने आकर के वहब इब्ने कल्ब कहने लगे आप खानदान नबूवत का सिपाही हो, खानदान नबूवत का ताबेदार हो, मैदान जिहाद का सिपाही हो, इजाजत चाहता हूँ। कहाँ जा इजाजत है? लंबा चौड़ा मैदान तो था नहीं, वहां भी वहां खड़ी है। कई का यजीदियों को वसीले जहन्नम किया, फिर किसी ने मारी पीछे से जोर से तलवार, तो वो माँ थी तो वो धड़म से जमीन पर नहीं गिरे, आसमान की तरफ नजर उठाई, मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। वो एक यजीदी था, इसे पता चल गया ये इसकी माँ है। वो कटा हुआ सर उठाया, उसकी गोद में डाल दिया, तो वो चूना नहीं, वो उठा हुआ रखा हुआ सर वापस मैदान में छोड़ दिया। अल्लाह के नाम के देने के बाद वापस नहीं लिया करते। फिल्म देखने के लिए बेटे को माँ पैसे देती है। उसूर हमारा भी है, हमने घर का माहौल बनाया है नहीं मुसलमान, इतने घरों का ये हाल है, पूरा का पूरा घर सुबह 8 बजे 10 बजे उठता है, पता ही नहीं भजन कितने बजे। कितने घर ऐसे मिलेंगे यहाँ की बात में, हर जगह कितने मर जाते थे। हम क्या मसूदन हम वही हाल है आज भी, रोजाना एक पारा कुरान पढ़ो, रोजाना सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के सो, रोजाना 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ो, हर वक्त बावजूद रहो, ये कुछ मामूलात है, वैसे ना जियो मुसलमान। यहाँ एक वो होंगे वहां 700 के हिसाब से मिलेगा। मौत आनी है अटल, हर दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसने खुदा का इनकार किया, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मौत को झुकाया हो। मौत आनी है हर वक्त मुसलमानों, मेरा आपका इस्तेहजा रहना चाहिए कि मुझे और आपको मौत आएगी। दुआ करके अल्लाह ताला मेरा आपका खात्मा जो खैर करवाए, हम सब को अल्लाह ताला सच्चा पक्का उम्मती बनाए, हम सब को अल्लाह ताला सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। सारे हजरात नियत करो इंशाल्लाह कुरान पढ़े, बोलो जोर से, सारे हजरात नियत करो इंशाल्लाह 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, और सबसे अच्छा तरीका ईशा के बाद जल्दी सो और जल्दी उठो, तो झूठ की पाबंदी करो, क्योंकि आज भी जल्द एक झटका आ गया है, अगर अल्लाह चाहे तो रोजाना 1-1 मिनट में रोजाना झटके भेज सकता है। अल्लाह का इशारा है, अभी भी मौका है मुसलमानों, एक वक्त आएगा जब दर तौबा बंद हो जाएगा, सूरज की सिमत बदल जाएगी, फिर हम हाथ उठा उठा कर देंगे या रब, अल्लाह हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा। इसलिए आज भी वक्त है, मौके को गनीमत समझे, अपनी जिंदगी को गनीमत समझे, और जितना जिंदगी का हिस्सा मेरा आपका बाकी है नेकी की राह में डाले, अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
माँ के ऊपर एक कलाम है, समाप्त करना है। गुजरती जिंदगी के साथ में Thank you.
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत।